और इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है दिल्ली से, जहां पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। और हथियारों के साथ हम आपको जानकारी दे दें, 3 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो हथियारों का ये बड़ा जखीरा बरामद किया गया है, इसके साथ ही दिल्ली में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब ये हथियारों का जो जखीरा है, इसके पीछे मकसद क्या था, इतने सारे हथियार ये क्यों लाए गए, इसी को लेकर अब छानबीन आगे की जाएगी। और जानकारी इस पर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता प्रशांत देव, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी इन 3 लोगों के बारे में जो कि गिरफ्तार किए गए हैं हथियारों के जखीरे के साथ? देखिए, इनसे जो पुलिस ने बरामद किया, करीब 20 से ज्यादा हथियार हैं जो गाड़ी में एक कैविटी बनाकर छिपाई गई थी। और जो अब तक की पूछताछ हुई उसके हिसाब से, उसके मुताबिक ये मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली में ये 3 जगह इनको ये खेप जो है बटनी थी। और चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब माफियाओं, शराब पे और हथियार पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उसी सिलसिले में पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की हैं और ये बरामद की है। अब इससे पूछताछ हो रही क्या दिल्ली विधानसभा से चुनाव के लेकर के इसका कोई कनेक्शन है, लगातार पुलिस की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन ये बात सामने निकल के आई है कि दिल्ली, मुजफ्फरनगर और मेरठ 3 जगहों में ये हथियार सप्लाई होने थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए प्रशांत आपका। तो